एक खतरनाक कीटनाशक आजकल खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसके उपयोग से लोगों के ऊपर, किसान के सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। इसका दुष्प्रभाव बहुत गंभीर है और बहुत गहरीला है। कीटनाशक जो हानिकारक है, इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है खेती में। इसके बढ़ने से बहुत गांव में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। उनका जो भी लोग उनका खेती में ज़्यादा खतरनाक कीटनाशक का उपयोग हो रहा है, हम इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसान के ऊपर और किसान के जो फैमिली है उनके ऊपर बहुत बुरा दुष्प्रभाव हो रहा है इससे, और इससे उनका सेहत के ऊपर भी बहुत गंभीर रूप से दुष्प्रभाव पाया जा रहा है। ये पहले तो हम खेती बिना किसी रसायन या कीटनाशक के जरिए ही हम करते थे। भारत में हजारों सालों से खेती हो रहा है। ये पिछले 20-30 साल से हम एक रसायन का उपयोग करके, कीटनाशक का उपयोग करके हम खेती करने का आदत बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी कम से कम भारत में, पूरा भारत में देखे तो कम से कम 2.5 लाख मेट्रिक टन पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं। ये इतना खतरनाक है। इसमें एक 50 ग्राम का जो भी पेस्टिसाइड है, या वो पीने से या हम उसको लेने से, हम आदमी मरने का पूरी गारंटी है। 50 ग्राम से भी बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक ये जो रसायन है, हम इसको 2,50,000 टन हर साल खेती में हम उपयोग कर रहे हैं। इसके उपयोग से हम खाने के लिए जो विविध तरीका के क्रॉप्स हैं, गेहूँ हो या धान हो या अरहर हो, कुछ भी हो, न तो आलू हो, टमाटर हो, पूरा हम जो खाते हैं उसको खाने का जो क्रॉप निकालने के लिए हम ये खतरनाक जहरीला रसायन उपयोग कर रहे हैं। ये खाने वाले के ऊपर प्रभाव तो है ही है। इसके बारे में ज़्यादा आप दिल्ली में या बॉम्बे में या हैदराबाद जैसे महानगरों में जो कंज्यूमर है उनका ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर परिशोधन हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आए हुए हैं। लेकिन ये उपयोग करते समय, खेती में इसको उपयोग करते समय, स्प्रे करते समय, इससे किसान या मजदूर भी डायरेक्ट उनका ऊपर असर है, ये इम्पैक्ट है। और ये पंजाब में हम देख रहे हैं, इससे ज़्यादातर कैंसर आ रहा है और बहुत तरीके के बीमारी आ रहे हैं। ये इतना जहरीला है, इतना टॉक्सिक है कि आने वाले पीढ़ी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि आज एक किसान उपयोग कर रहा है तो उसका जो बेटा हो, बेटी हो, जो पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन इसके शरीर से उसके ऊपर भी आगे पैदा होने के बाद उसके ऊपर भी असर हो सकता है। इसको
टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं, टेराटोटॉक्सिसिटी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है, ज़्यादा। ये लोग कहीं किसान स्प्रे करते टाइम हमारे को कुछ नहीं हुआ बोलते हैं, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट एक साल में, दो साल में सेहत के ऊपर, एक एक के ऊपर, एक साल में होता है, एक एक के ऊपर 20 साल के बाद भी दिखता है। तो हम देख रहे हैं ज़्यादा गांव में एक एक बार कई किसान मर जाते हैं एक ही 10-15 दिन में, यानी हॉस्पिटलाइज होते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है उनको। तो ऐसा एपिसोड्स ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग या एक ही समय में बहुत ज़्यादा एरिया में एकदम, अब कई किसान ये जहरीला खतरनाक रासायन कीटकनाशक के प्रभाव में आके कहीं खेत में ही मर जाते हैं, नहीं तो अस्पताल भर्ती होने के बाद इलाज होते समय या इलाज के बाद भी मर जाते हैं। जो बचे हैं वो बच गए, ऐसे लोगों का जिंदगी भी बहुत दुर्भर होता है, उनको काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, बहुत वीक पाए जाते हैं। और आगे किसी को तो ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एपिसोड हम यवतमाल में 2017 में देखे हैं, यवतमाल, अकोला, अमरावती जिला में, विदर्भ रीजन में। ऐसे एक 2017 में के 15-20 दिन में कई हज़ार से ज़्यादा किसान जिला अस्पताल में भर्ती हो गए, कई लोग तो आए भी नहीं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। कई लोगों का आँख नहीं दिखा, आँख में समस्या आया और सांस लेने में समस्या आया। अभी कैंसर कितने लोगों को आया वो आगे बढ़ के अपने को पता होगा। तो इससे पहले 2002 में वारंगल, तेलंगाना में जो वारंगल जिला है, वहाँ भी हम कम से कम 500 किसान एक ही 15-20 दिन में ऐसा मरीज हो गए, बीमार हो गए। तो इसलिए ये खतरनाक कीटकनाशक से हमें बचना है, सिर्फ ये किसान के ऊपर नहीं, किसान का जो फैमिली है, उनका जो घर में घर वाले भी हो, जो भी हो, बच्चे हो, तो उनके ऊपर भी ये प्रभाव दिख रहा है। और ज़्यादातर ये घर में खतरनाक कीटकनाशक रखने से एक एक बार गुस्से में या लड़ाई में या आपस में एक आर्गुमेंट में ये ले के पी के कीटकनाशक को पी के सुसाइड कर लिया, ऐसे केसेस बहुत है। यानी कि उनको नज़दीकी एक जहर मिलता है तो गुस्से में या अपसेट हो गए तो इसको लेके पी लेके खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा खुदकुशी करने के लिए आसान तरीका ये जहरीला कीटकनाशक से के जरिए हो रहा है, ये तो देश भर में हो रहा है। जैसा आंकड़े बता रहे जो भारत का सरकार का आंकड़े है, कम से कम 7,500 लोग हर साल सिर्फ इसके प्रभाव से मर जा रहे हैं। अब सुसाइड तो किसान के घर में या किसान के किसान लोग जो करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कम से कम 5,000 तक दिख रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। तो ये जहरीला कीटकनाशक फिर जो आसपास के लोगों के ऊपर भी असर होता है, पर्यावरण के ऊपर असर होता है, पानी में रहता है, फिर ज़मीन में जहाँ हम खेती करते हैं ज़मीन में रहता है, फिर ज़मीन के ऊपर बारिश गिरने से वो पानी के जरिए
आस पास के तालाबों में रहता है, तालाब से फिर हम पीने के पानी में आता है। तो ये पूरा व्यापक रूप से विस्तृत रूप से बढ़ते जा रहा है, और फिर खाने में आता है, फिर पानी में आता है, हवा में भी रहता है। इसका पर्यावरण जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, और ये सालों भर रहता है। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ये 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, कम से कम 20-25 साल तक उनका वो पानी में मिट्टी में रहता है। तो इसलिए आज जो हम 300 से ज़्यादा तरीके का पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये पूरा जो यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसका जहरीला बहुत इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और खासकर 2,50,000 टन जो हर साल इसका उपयोग होता है। ये कीटकनाशक तो है ही है, लेकिन ये जो कीटक मारने के लिए ये डालते हैं, वो कीटक मारने का जो जरिया है वो भी नहीं होता है। यानी कि एक कीड़ा मारने के लिए कीटकनाशक यूज़ करते हैं, लेकिन वो कीड़ा मरता या नहीं मरता वो अलग बात है, लेकिन उसके आसपास के जो और भी कीटक हैं अपने को जो फायदेमंद करते हैं वो भी मर जाते हैं। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी अभी रिसर्च बोलते हैं कि हम 1 लीटर कीटकनाशक स्प्रे करें तो उसमें 99% 99% पर्यावरण के ऊपर रहता है, लेकिन 1 ही% वो कीटक के ऊपर होता है। सो हम 1 लीटर यूज़ करें तो उसमें 99% बाहर और किसी के ऊपर प्रभाव होता है, सिर्फ 1% वो कीटक के ऊपर इम्पैक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन खेती में जो रिजल्ट आना था, जो खेत में अपने को जो अपना खेत का यील्ड जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन किसान के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। उसके ऊपर सेहत का बोझ तो एक अलग है, फिर खर्चा का बोझ भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए फिर बच्चों के ऊपर असर है, गर्भिणी स्त्री के ऊपर असर है। आज गांव में बहुत फैला जाता है, एक खरीफ में या रबी में गांव में हर खेत में ये यूज़ करने से गांव में हवा प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो ये पूरा गांव का जो भी पहले हम बोलते थे गांव में बहुत हेल्दी पीपल रहते हैं, गांव के लोग का सेहत बहुत अच्छा रहता है, गांव में उनका जो खाने का पीने का हवा बहुत स्वच्छ रहता है। लेकिन ये आज कीटकनाशक के वजह से जो जहरीला कीटनाशक उपयोग करने से वो पूरा हो गया। आज प्रदूषित हवा गांव में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जैसा इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा भी आज गांव में प्रदूषित हवा है, और पानी में भी ये कीटनाशक पाया जा रहा है। इसलिए हम अपना पीढ़ी, युवा पीढ़ी को, आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए और स्त्रियों को बचाने के लिए, हमारा सेहत अच्छा रखने के लिए हम ये कीटनाशक उपयोग करना, इसका इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। इससे हम लोग अपना सेहत थोड़ा बचा सकते हैं, और हम जो खेती करते हैं वो खेती में
वो बंद करने से भी जो खाने वाले का सेहत है वो भी बढ़ने का आशंका है, पर्यावरण भी अच्छा होगा। इसलिए हम ये जो जहरीला खतरनाक कीटनाशक का उपयोग बंद करना चाहिए, यही हमारा उम्मीद है।